और शुक्रवार को पशुपालन विभाग के एआई कर्मियों ने रामगढ़ जिला की पूर्व विधायक ममता देवी से मुलाकात की और पूर्व विधायक को अपनी चार सूत्री मांगों से अवगत करवाया। वहीं पूर्व विधायक ने पशुपालन विभाग के एआई कर्मियों को आश्वस्त किया और कहा कि इनकी मांगे जायज है और मुख्यमंत्री से बात कर अवगत करवाऊंगी। मेरे पास रामगढ़ जिला के प्रतिनिधि एआई कर्मचारी की टीम, अभी इन लोगों ने हमें एक ज्ञापन सौंपा है। सही मायने में अगर कहा जाए कि ये लोग काफी मेहनत करते हैं, डोर टू डोर जाकर के इनका एक तो प्रचार भी करना है, दूसरा पशु को अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारियां हैं तो उसको देखना है, इंजेक्शन देना है, गर्भाधान का मामला है क्या है नहीं है वो सारा डिटेल इन लोगों को सबमिट करना होता है और इसी का ये लोग वर्क करते हैं। जहां तक बात है कि इन लोगों की मांगों का, इनकी चार सूत्री मांग है जो एक मानदेय को लेकर के है कि एक कहा जाता है कि जिस तरह से हम वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से हमें पेमेंट नहीं हो पाता है, मानदेय नहीं मिल पाता है। सही बात है, जो महंगाई का दौर चल रहा है इस महंगाई में सफिशियंट नहीं है कि इतनी कम राशि में कोई काम कर सकता है, उसके बावजूद भी ये लोग काफी मेहनत से यहाँ काम कर रहे हैं। जो इनके चार सूत्री मांगों में ये एड है कि इनको उचित मानदेय मिलना चाहिए, प्लस 2019 से लेकर के अभी तक में इनका बकाया राशि है वो भी इनको अब तक नहीं मिल पाया है, तो इन सब विषयों को लेकर के इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। और अभी मेरी टेलीफोनिक माननीय मंत्री जी के पीएस से भी बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द इनके जो प्रदर्शन चल रहा है उनके लोगों से वो मिलेंगे और इस पे सकारात्मक पहल वो लोग करेंगे। अब मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार संवेदनशील है और किसान वर्ग के लिए हो या फिर हमारे कृषि पशुपालन के जो कर्मचारी हैं उनके बारे में हो, हर विषय में सरकार सोचने का काम कर रही है, हर किसी के लिए काम कर रही है, तो इनके लिए भी सरकार काम करेगी ये हमें पूर्ण विश्वास है। इसके लिए मैं खुद भी माननीय मंत्री जी से मिलूंगी और इनकी बातों को मैं रखने का काम करूंगी।